कहानी में सरदार का लड़का जैक के छोटे बेटे को सबक सिखाना चाहता था। वो उससे दोस्ती करने का नाटक करता है। जैक समझता है कि शायद उसने उसे माफ कर दिया है और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे जाकर वो जैक के लड़के से शिकार करने के लिए कहता है, जो कि वहाँ करना बहुत कठिन था। जैसे ही जैक का लड़का शिकार करने के लिए पानी में जाता है, सरदार का बेटा और उसके दोस्त वहाँ उसे छोड़कर चले जाते हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर कोई नहीं होता है। जैक के लड़के को ये बात पता नहीं होती है कि सरदार का लड़का उसे से बहुत दूर निकाल लाया है। तभी अगले सीन में जैक के लड़के पर एक मछली अटैक करती है। इतनी बड़ी मछली को देखकर वो डर जाता है और उसे बचने के लिए पानी में इधर उधर छुपने लगता है। ज्यादा देर पानी में रहने के कारण उसकी सांस फूल जाती है। मछली उस पर अटैक करने ही वाली होती है, तभी बहुत बड़ी मछली वहाँ पर आ जाती है और जैक के लड़के की उस मछली से रक्षा करती है। जैक को जब होश आता है तो वो एक बहुत बड़ी मछली के ऊपर होता है और अगले सीन में उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। जैक का लड़का उसे वापस मिलने के लिए कह कर जाता है। अगले सीन में जैक का लड़का मुखिया के लड़के को पकड़कर जैक के पास जाता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, वो सब इन्हें बताओ। जैक उन दोनों को लेकर वहाँ के मुखिया के पास जाता है। जैक का लड़का मुखिया से बताता है कि मैंने किस प्रकार अपनी जान बचाई और वो ये भी बताता है कि वहाँ उसे एक मछली मिली थी और उसने ही उसकी जान बचाई। मुखिया अपने बेटे की नादानी पर उससे माफी मांगता है और अपने बेटे को सजा देने का निर्णय करता है, लेकिन जैक उसे सजा देने से मना कर देता है। ये वाली घटना होने के बाद उन सब में दोस्ती हो जाती है। तभी मुखिया का लड़का जैक के लड़के से बताता है कि जिस मछली ने तुम्हारी मदद की वो यहाँ से निकाल दिया गया है, क्योंकि उसने हमारे कई लोगों की जान ले ली थी। लेकिन जैक का लड़का इस बात पर विश्वास नहीं करता है और वो उनसे कहता है कि मैं साबित कर सकता हूँ कि वो मेरा दोस्त बन चुका है। अगले सीन में क्री नाम की लड़की उनके पूर्वजों के पेड़ को देखने के लिए आती है और उस पेड़ के पास जाकर अपनी माँ को याद करने की कोशिश करती है। सपने में अपनी माँ से वो ये पूछती है कि माँ ये बता दो कि मेरा पिता आखिर है कौन। ये बात कहते ही क्री को दौड़ा पड़ने लगता है और उसके दोस्त उसे वहां से बचाते हैं। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी मछलियों का एक अलग से झुंड होता है, जिन्हें वहां के सभी अवतार अपने अपनी बहन और भाई मानते हैं। उन मछलियों में से एक मुखिया की पत्नी की बहन भी होती है और वो प्रेग्नेंट होती है। वहाँ के सभी अवतार उन जानवरों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कहानी के अगले सीन में कोलोनल स्पाइडर की मदद से दक्षिण में रह रहे अवतार वालों के पास चला जाता है और वहाँ पर जाकर उन्हें बंदी बना लेता है। वो उन सबको बंदी बनाने के बाद उनसे जैक और नेत्री का पता पूछता है, लेकिन वे अवतार पूर्व के मुखिया की इतनी बात मानते थे कि उस गाँव में से कोई भी जैक का पता नहीं बताता है और कोलोनल को गुस्सा आ जाता है और वो उनके घरों में आग लगाने का आदेश दे देता है। जैक और नेत्री की वजह से अपने घरों को जलता देख बे अवतार बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। अगले सीन में मुखिया को ये बात पता चलती है और वो सारी बात जैक से बताता है। जैक इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। अगले सीन में जैक का लड़का ये जानना चाहता था कि आखिरकार उस मछली के साथ क्या हुआ। वो अपने दोस्त पायथागोन से कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर के सारे राज जानने हैं और इसलिए मुझे तुम्हारे साथ जुड़ना होगा। पायथागोन से जुड़ने के बाद उसे पता चलता है कि पायथागोन ने अपनी माँ को बचाने के लिए दो चार लोगों की मृत्यु की थी। वो ये सब देखकर समझ जाता है कि इसमें उसके दोस्त पायथागोन की कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि कोई भी अपनी माँ को मरता नहीं देख सकता। अगले सीन में जैक का लड़का ये बात मुखिया से बताने की कोशिश करता है कि इसमें पायथागोन की कोई गलती नहीं है, मैं उससे जुड़ा और मैंने जाना कि उसने अपनी माँ की जान बचाने के लिए जान ली थी। लेकिन वहाँ का मुखिया जैक से उसके बेटे को समझाने के लिए कहता है। अगले सीन में कोलोनल उन बड़ी वाली मछलियों का शिकार करने के लिए कहता है और वो शिकार करने के लिए उन मछलियों के झुंड में जाते हैं। शिकार करने के लिए वो उसी मछली को चुनते हैं जो कि मुखिया की पत्नी की बहन होती है। कहानी में बताया जाता है कि उस मछली के दिमाग में एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो काफी ज्यादा महंगा बिकता है और वो पदार्थ निकालने के लिए ही वो मछली को मारते हैं। अगले ही सीन में उस मछली को पकड़कर मार देते हैं और उसके अंदर से वो दिमाग में जो पदार्थ होता है उसे निकाल लिया जाता है। कोलोनल की पूरी टीम मिशन सक्सेसफुल होने के बाद काफी ज्यादा खुशी मनाती है। अगले सीन में ये बात मुखिया की पत्नी को पता लगती है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। ये सब होने के बाद मुखिया अपने झुंड में ऐलान कर देता है कि हमें भी अब लौट कर जवाब देना होगा, हमें भी आकाशवासियों से लड़ना होगा। लेकिन जैक उन्हें समझाता है कि आकाशवासी नहीं रुकने वाले, अगर तुम उनसे लड़ोगे तो वो तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। जैक कहता है कि उन्हें लड़ाई से नहीं, उन्हें दिमाग से रोका जा सकता है। वो उन्हें समझाता है कि अगर ये लाल चीज किसी भी मछली के ऊपर दिखे तो मुझे बता देना, मैं इसको बंद कर दूंगा और वो हमारे किसी भी
की जीप को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। कहानी के अगले सीन में जैक का लड़का अपने दोस्त पायथागोन को बताने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो लाल चीज पहले से ही उसके शरीर पर लगी होती है। वो उसे बचाने के लिए उस लाल चीज को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो नहीं खुल पाती है और इस बात के बारे में अपने पिता को भी आगाह कर देता है। सारे दोस्त मिलकर उस चीज को निकालने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ मुखिया अपनी सारी सेना को लेकर वहाँ आने लगता है। सारे दोस्त मिलकर पायथागोन की उस चीज को निकाल देते हैं और जैक का छोटा लड़का उसे लेकर कहीं और चला जाता है ताकि उनका नावों का रास्ता भटक जाए। कोलोनल को ये बात पता लग जाती है कि सारे अवतार उन्हें बचाने के लिए आ चुके हैं और वो उन्हें पकड़ने के लिए अपनी मशीनें भेज देता है। पानी के अंदर मशीनों द्वारा जाल फेंका जाता है और जाल में क्री और जैक की छोटी बेटी आ जाते हैं और उन्हें बचाने के चक्कर में जैक का छोटा बेटा भी जाल के साथ चला जाता है। कोलोनल उन्हें अपने जहाज पर ले जाता है और उन्हें वहां पर बांध दिया जाता है। तभी अवतारों की दूसरी तरफ सारी फौज आ जाती है और सारी फौज को देखकर कोलोनल एक मिनट के लिए रुक जाता है। इतनी सारी फौज देखकर वो जैक से एक सौदा करता है कि अगर तुम अकेले यहाँ आ जाओ तो मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ दूंगा। जैक अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसे उनकी जान बचाने के लिए जाना पड़ता है। जैक आधे रास्ते में पहुंचता है तभी पायथागोन उन पर हमला कर देता है और उनकी सारी नावों को अलट पलट कर रख देता है। इतना सब कुछ होने के बाद जैक को थोड़ा सहारा मिल जाता है और अपनी सेना से हमला करने के लिए कह देता है। धीरे धीरे लड़ाई बहुत ज्यादा भयंकर होने लगती है। उनकी सभी नावों में धीरे धीरे आग लगने लगती है। दूसरी तरफ नेत्री भी उस लड़ाई में लड़ रही होती है और उनके कई सारे सैनिकों को मार गिरा देती है। इधर स्पाइडर उनके जहाज में आगे बढ़ने का गेयर डाल देता है और उस गेयर को आगे डालकर वहीं पर जाम कर देता है। आगे जाकर बोयान पत्थर से टकरा जाता है और उसे टकरा कर वहीं पर रुक जाता है। जहाज रुकने से उसमें बहुत सारे होल हो जाते हैं और उसके अंदर पानी भरने लगता है। जहाज में पानी भर जाने के कारण अवतारों को लड़ाई और भी ज्यादा आसान लगने लगती है। तभी अगले सीन में कोलोनल क्री को पकड़ कर ले आता है और उसे आकर बंदी बना लेता है। क्री को बचाने के लिए जैक के दोनों बेटे और स्पाइडर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बचा रहे होते हैं वहाँ पर कोलोनल आ जाता है और उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। फायरिंग होने से जैक के बड़े बेटे को गोली लग जाती है। जैक अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन अपने बेटे को नहीं बचा पाता है। बड़े बेटे के मरते ही नेत्री बहुत ज्यादा रोने लगती है और उदास होने लगती है। जैक नेत्री को समझाता है कि रोने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत बांधो और लड़ाई करो। अगले सीन में रात हो जाती है और अवतार धीरे धीरे उनके जहाज पर चढ़ने लगते हैं। नेत्री यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो कोलोनल के साथियों को एक एक करके बड़ी बुरी तरह से मार रही होती है। धीरे धीरे करके कोलोनल के सभी साथी मरने लगते हैं। कहानी में आगे कोलोनल क्री की गर्दन पर चाकू रख के उसके सामने आ जाता है और उनसे कहता है कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो इससे पहले मैं क्री को मार दूंगा, क्योंकि कोलोनल को पता होता है कि उसके सारे साथी मर चुके हैं। तभी वहां पर नेत्री आ जाती है और स्पाइडर की गर्दन पर चाकू रख देती है। कोलोनल कहता है कि ये बचपन से तुम्हारे साथ पला बड़ा है और इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम अपने ही बच्चे को कैसे मार सकती हो। तभी नेत्री सच्चाई खोलती है कि स्पाइडर मेरा बेटा नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है और अगर तुमने क्री को नहीं छोड़ा तो मैं इसकी गर्दन को अलग कर दूंगी। अपने बेटे के बारे में पता लगते ही वो क्री को छोड़ देता है और नेत्री स्पाइडर को छोड़ देती है। जैक अपने परिवार को लेकर जा ही रहा होता है तभी कोलोनल जैक पर हमला कर देता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई में जैक जीत जाता है और कोलोनल को पानी में मरने के लिए छोड़ देता है। आते टाइम जैक की भी सांस फूलने लगती है और वो भी डूबने लगता है, लेकिन वहाँ जैक का बेटा आ जाता है और जैक को बचा कर ले जाता है। तभी स्पाइडर जाते टाइम सोचता है कि आखिर कोलोनल है तो उसका पिता ही, और उसे बचाने के लिए पानी के अंदर जाने लगता है। स्पाइडर अपने पिता को बचा कर एक किनारे पर छोड़ आता है और वहाँ से आ जाता है। अगले सीन में जैक का परिवार अपने बड़े बेटे की लाश को सिराने के लिए आते हैं। उसे सिराने के बाद वो वहाँ के अवतारों से कहते हैं कि हमें अपने जंगल वापस जाना होगा, लेकिन वहाँ का मुखिया कहता है कि तुमने अपने बड़े बेटे को हमारे पूर्वजों में सिराया है और इसीलिए तुम आज से यहीं पर रहोगे। और यहीं पर कहानी का अंत कर दिया जाता है। अगर दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना।